मैं दिनेश कुमार यादव, उत्तर प्रदेश बनारस के धरती का रहने वाला। आज मैं 16 तारीख के 4 दिन पहले, लॉकडाउन के 4 दिन पहले मैं यूपी बनारस से आया मुंबई में, और अपने घर पे मुंबई में जिस दिन गया उसी दिन जो है लॉकडाउन पूरे भारत में हो गया, और मैं राशन भी नहीं खरीद पाया था मित्रों, और मैं परेशान हो गया। अपने सगे रिश्तेदारों को भी फोन किया, अपने मेरी इतनी पहचान थी कि यहाँ मुंबई में शिवसेना में लोग रहने वाले बड़े बड़े पैसे वाले भी हैं, उद्योगपति भी हैं, हमारे खुद के भी रिश्तेदार थे, और जोगेश्वरी में हमारे 50 हिंदू भाई और सैकड़ों मित्र थे, जो कि मैं कई जगह फोन लगाया कि भाई मैं फंस चुका हूँ और मुझे आसरा दीजिए, मैं गांव से आया हूँ, मेरा पैसा खत्म हो गया और मेरे घर पे राशन नहीं है, मैं इधर फंसा हूँ, मेरा एक बच्चा भी दूसरे के रूम पे रह रहा था वो भी फंसा, वहाँ भी राशन खत्म हो गया। हर जगह फोन लगाने के बाद दोस्तों मैं जोगेश्वरी में एक स्थान पे फोन लगाया, जो मुसलमान भाई हैं वो, उनको फोन लगाया, मैं बोला भाई मैं फंस गया हूँ, धन्य है वो भारत का सपूत मुसलमान भाई हमारा, आज लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये गद्दार होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। उन कहने वालों लोगों से कहता हूँ कि एक बार उनसे, उनके पास आके तो देखो, उनके पास बैठ के तो देखो, उनसे हालचाल करके तो देखो, वो तुम्हें प्यार करते हैं या नफरत करते हैं। आज दोस्तों इतने हमारे सारे हिंदू भाई रहने के रहते हुए भी अच्छे अच्छे पैसे वालों को भी मैंने फोन किया और मेरा कोई सहारा नहीं बना। जोगेश्वरी का एक मुसलमान भाई मुझे आज, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है अभी तक, हमें हमारे लड़के तक को सबको राशन, खाना, रहने, सोने हर व्यवस्था इन्होंने किया है। यहाँ से कम 50 छोकरे, यंग मुसलमान के लड़के, कोई पानी लेके आता, कोई बिस्किट लेके आता, कोई चाय लेके आता, बार बार एक ही सवाल, भाई कुछ खाए क्या, भाई कुछ पिए क्या। आज मैं उन लोगों को कहता हूँ जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, उनको ये बता देना चाहता हूँ कि ये सब गलत है, सबके अंदर सीने में दिल है, सबके अंदर इंसानियत है, जैसा जो जिसको तुम प्यार दोगे वैसा तुम्हारे सामने करेगा वो। अगर देखना है तो उनसे एक बार उनके बीच में बैठो और उनके साथ रह के तो देखो, एक पल उनके साथ गुजार के देखो। आज लॉकडाउन जिस दिन से हुआ है मित्रों, आज एक मुसलमान के घर में मैं रहता हूँ, आज से, और उस मुसलमान का कहना है कि जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म होगा तब तक तुमको, तुम्हारे बच्चे को मैं बैठा खिलाऊंगा। जय है भारत का सपूत मुसलमान का बेटा, जय हिंद, जय भारत।